दोस्तों, एक्सप्लोरिंग नेचर चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी खूबसूरत जगह दिखाई हैं पाकिस्तान की, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के ख़तरनाक और ख़ूबसूरत आबशार दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। रिशन आबशार पाकिस्तान के खूबसूरत वादी चतराल में वाक़िया है। यह आबशार चतराल बाज़ार से 63 किलोमीटर के फासले पर है। यह आबशार सतह समंदर से 3600 फीट की बुलंदी पर वाक़िया है। इस ख़तरनाक आबशार में मामूली गलती करने पर इंसान मौत के घाट उतारता है। रिशन गांव मस्तूज रोड पर वाक़िया है। राजबांडा आबशार पाकिस्तान के ख़तरनाक और ख़ूबसूरत तरीन आबशार में शुमार होता है। अपनी खूबसूरती की बिना पर यह आबशार काफ़ी मकबूलियत का हामिल है। इस आबशार तक पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे पैदल सफ़र करना होगा, लेकिन आबशार का रास्ता इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती देखकर इंसान को थकान का एहसास नहीं होता। इसी तरह इस आबशार के इर्द गिर्द खूबसूरत घने जंगलात है और चश्मे भी है। इसी तरह ये आबशार एक मशहूर बांडा, जिसको हम कुन बांडा कहते हैं, और ये कुन बांडा मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर है। इस आबशार का पानी जहाज़ बांडा का मशहूर लेक कटोरा लेक से आता है और यहाँ पे आबशार का शक्ल इख्तियार करता है। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये कैंपिंग साइट है। अगर आप यहाँ पे रात गुजारना चाहते हैं तो इस खूबसूरती से लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए आप आसानी के साथ यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। सरगू आबशार पाकिस्तान के बड़े और ख़तरनाक आबशार में शुमार होता है। ये आबशार स्वात के खूबसूरत वादी बिहा में वाक़िया है। ये आबशार बिहा बाज़ार से 9 किलोमीटर के फासले पर है। आबशार तक आपने 45 मिनट का पैदल रास्ता तय करना होगा। स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगोरस से ये आबशार 59 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप इस आबशार का विज़िट करते हैं और तकरीबन 30 फीट के फासले पर आप आबशार के करीब बैठते हैं तो आबशार के ठंडे हवा का आप मज़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप आबशार के पानी में नहाना चाहते हैं तो ये किसी ख़तरे से कम नहीं है, क्योंकि ये किसी भी हादसे का बाहिस बन सकता है।
یہ آبشار پاکستان کی نئی دریافتہ خوبصورت وادی کمراٹ میں واقع ہے۔ یہ آبشار کمراٹ کے جنگلات کے بیچ ہے، اور جتنے ٹورسٹ کمراٹ کا سفر کرتے ہیں تو ان کا ٹور اس خوبصورت اور خطرناک آبشار کو دیکھے بغیر ناممکن ہے۔ اس آبشار کا پانی کا لیول سردی کے موسم میں کم اور گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس آبشار تک پہنچنا بالکل آسان ہے، کیونکہ یہ کمراٹ کے مین جنگل سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ خوبصورت اور خطرناک آبشار سوات کی خوبصورت گاؤں مٹلتان سے تھوڑے سے فاصلے پر مہوڈن روڈ کے کنارے واقع ہے، اور جتنی بھی ٹورسٹ مہوڈن جاتے ہیں تو راستے میں جب بھی اس آبشار پر پڑتی ہے تو اس آبشار سے لطف اندوز ہونے کے لیے آبشار والی جگہ پہ قیام کرتے ہیں۔ آبشار کی خاص بات یہ ہے کہ آبشار کے آس پاس خوبصورت گلیشئر اور گنے جنگلات ہے، جو کہ اس آبشار کے قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن ٹورسٹ کو آبشار کے نزدیک جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہلک ہو سکتا ہے۔ وادی کالام میں اوشو آبشار کافی مقبولیت کا حامل ہے۔ یہ آبشار خوبصورت اور خطرناک بھی ہے، اس آبشار تک رسائی ناممکن ہے۔ یہ آبشار مٹلتان اور اوشو کے حدود میں واقع ہے۔ اس آبشار سے آگے پھر مٹلتان کی حدود سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن اس آبشار تک جانا ناممکن ہے، اور یہ آبشار پاکستان کے بلند ترین اور خطرناک آبشار میں شمار ہوتا ہے۔ یہ آبشار بھی مہوڈن روڈ کے کنارے پر واقع ہے، اور جتنی بھی ٹورسٹ مہوڈن جاتے ہیں تو ان کی نظر جب بھی اس آبشار پہ پڑتی ہے تو وہ یہاں پہ قیام کرتے ہیں اور دور سے آبشار کے نظاروں کا مزہ لیتے ہیں۔